Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts 3, 2, 1. तो आज के इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवम एंड स्पर्म के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, एंड वे फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो गाइज आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो गाइज जो स्पर्म होता है यह मेल गैमेटोफाइट होता है और जो ओवम होता है वह फीमेल गैमेटोफाइट होता है। गाइज जो मेल गैमेटोफाइट होता है वह क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेटोफाइट ओवम। जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तो जायगोट का निर्माण करते हैं, या जायगोट धीरे धीरे आगे चल करके 9 से 9.5 माह में एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। तो गाइज आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ये कार्य किस प्रकार से करते हैं, तथा फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, ओवम के बाहर किस प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, स्पर्म के बाहर किस प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है, आइए हम लोग समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहले से ही मेल गैमेटोफाइट स्पर्म का चित्र बना है और यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट ओवम का चित्र बना हुआ है। तो गाइस स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, ओवम मतलब होता है अंडाणु। तो गाइस अब आइए, जो मेल गैमेटोफाइट होता है स्पर्म, यह मुख्यतः 3 लेयर में पाया जाता है। इसका एक होता है हेड और एक भाग होता है मिडल लेयर और एक होता है टेल। जो इसका हेड होता है इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम में 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। एक्रोसोम में 2 प्रकार के एसिड, एक का नाम होता है जोनालाइसिन और एक का नाम होता है हाइलुरोनिडेज। जोनालाइसिन एंड हाइलुरोनिडेज इसमें पाया जाता है। और गाइस जो स्पर्म होता है इसके एंटी फर्टिलाइजेशन के ऊपर एक फाइटिक कंपाउंड जो वसा का होता है, मतलब यह जो निषेचन के पहले यह जो है एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर को ढके हुए रहता है। जब यह मादा के ओवम के पास जाता है, ओवम के अंदर जाता है, तो यह उसे खोल देता है, जिससे यह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तथा एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर के अंदर जा करके इसके ताले को खोल करके जो स्पर्म होता है वह ओवम के पास चला जाता है। अभी गाइज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके पहले आइए हम लोग स्पर्म के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज यह जो स्पर्म है, स्पर्म 3 भागों में बटा होता है, पहला हेड, दूसरा लेयर, तीसरा टेल। तो गाइज जो स्पर्म होता है, स्पर्म यह 3 भागों में बटा होता है, पहला हेड, दूसरा मिडल लेयर, तीसरा टेल। तो गाइज अब इसका कार्य क्या होता है, गाइज जो हेड होता है, हेड के सबसे ऊपर फैटी कंपाउंड पाया जाता है, मतलब यह वसा का बना होता है, यह जो एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होता है इसे पूरी तरह से ढके हुए रहता है। जो फैटी कंपाउंड होता है या एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर को पूर्ण रूप से ढके रहता है। जैसे गाइस मान लीजिए ऐसे 3 प्रकार से ऐसे एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर निकले हैं, तो जो अब कंपाउंड जो फैटी कंपाउंड है उसके अंदर जा करके इसे ऐसे एकदम पूरी तरह से ढक लेता है। क्यों ढक लेता है, ताकि यह खराब ना हो, किसी भी प्रकार से इसमें विकार ना आए। और यह खुलता कहाँ है, या मादा के अंडाणु में जाकर। क्यों खुलता है, क्योंकि इसके इसे गलाने वाला जो इसे नष्ट करने वाला हार्मोन होता है वह यहीं पर होता है, इसलिए यहाँ पर नष्ट होता है। इसके पहले यह स्पर्म के ऊपरी सतह पर बना रहता है। कौन बना रहता है, फैटी कंपाउंड। तो गाइस जो फैटी कंपाउंड होता है इसे आप लोग क्या लिखेंगे, फैटी कंपाउंड एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर को निषेचन के पहले ढका रहता है। फैटी कंपाउंड होता है एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर को पूरी तरह से ढका रहता है और यह वसा का बना होता है। तो गाइस आप लोगों ने लिख लिया क्या, कि जो फैटी कंपाउंड होता है या एंटी फर्टिलाइजेशन को ढके हुए रहता है तथा वसा का बना होता है। फिर इसके बाद गाइस इसके हेड में दूसरा आता है एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर। गाइस एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर लाइक कि एक चाबी की तरह होता है, मतलब जैसे एक चाबी होता है और एक उसका ताला होता है, जब चाबी को ताले में डालेंगे तो ताला खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह स्पर्म में की का कार्य करता है।
फर्टिलाइजेशन में की का कार्य करता है, चाबी का कार्य करता है। यह जो एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर है यह मादा के फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर के पास जाता है। पास जाने के बाद यह माली ऐसे इसे भर लेता है। अब भरने के पश्चात इसमें इससे कुछ हार्मोन स्रावित होता है तथा इस दोनों का हार्मोन जो आपस में मिलता है तो यह वाला भाग खोल जाता है। खोलने के पश्चात जो यह जोना पेलुसीडा होता है, अभी आइए हम लोग इसके बारे में बताएंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि जो एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होता है यह लाइका की चाबी की तरह कार्य करता है। फिर इसके बाद आते हैं इसके ऊपरी भाग में, एक्रोसोम के ऊपरी भाग में फैटी कंपाउंड और एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होता है। फिर एक्रोसोम जो होता है यह दो प्रकार के एसिड का निर्माण करता है, फ्लूइड का निर्माण करता है। एक होता है जोनालाइसिन, एक होता है हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन और हाइलुरोनिडेज। फिर इसके बाद गाइस इसका हेड का निचला भाग जो होता है इसमें ढेर सारे गुणसूत्र भरे होते हैं और यह गुणसूत्र किसके होते हैं, जनक के होते हैं। जनक में कौन, माता और पिता क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्राणु के द्वारा ही जनक के माता पिता के लक्षण जो होते हैं संतान में परिवर्तित होंगे, जाएंगे संतान में स्थानांतरित होंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो गाइज आप लोग इसके पूरे हेड के बारे में जान लिए। फैटी कंपाउंड एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर को ढके रहता है तथा यह पूरी तरह से वसा का बना होता है। इसके बाद आता है एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर, यह निषेचन के क्रिया में चाबी की तरह कार्य करता है। फिर आता है एक्रोसोम, एक्रोसोम में दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है जोनालाइसिन, एक होता है जोना पेलुसीडा। जोनालाइसिन होता है और एक होता है हाइलुरोनिडेज। फिर इसके बाद आते हैं इसके निचले भाग में हेड के, तो यहाँ पर ढेर सारे अधिक मात्रा में डीएनए पदार्थ एकत्रित होते हैं। यह डीएनए किसका होता है, माता पिता का होता है, जो संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो गाइस यह पूरा हो गया हेड के बारे में वर्णन। फिर इसके बाद इसका दूसरा भाग आता है मिडल लेयर। तो गाइस मिडल लेयर सबसे पहले गाइस जो यह होता है यह पूरा स्पर्म या एक प्रकार के आवरण से ऐसे ढका होता है। जो पूरा स्पर्म होता है या एक प्रकार के आवरण से ऐसे ढका होता है और इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो यह आवरण है इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइस जो यह स्पर्म होता है उसका हेड, मिडिल लेयर, टेल एक लेयर के द्वारा ढका होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद गाइस आइए हम लोग उसके मिडिल लेयर को पढ़ते हैं। तो मिडिल लेयर में जो होता है ये माइटोकांडिया पाया जाता है। मिडिल लेयर में अत्यधिक मात्रा में माइटोकांडिया पाया जाता है। मिडिल लेयर में क्या पाया जाता है, माइटोकांडिया। यह क्या होता है, यह एनर्जी देता है, किसमें, यह एनर्जी को देता है, किसमें, एटीपी फॉर्म में। यह एटीपी फॉर्म में एनर्जी को देता है जिससे एनर्जी पा करके जो शुक्राणु होता है वह तेजी से आगे की तरफ गति करता है। तो गाइस इसका मिडिल लेयर का कुछ सिर्फ यही इतना कार्य है कि इसमें ढेर सारे मात्रा में माइटोकांडिया पाया जाता है या माइटोकांडिया को पावर बैंक कहते हैं। किसका, स्पर्म का, शुक्राणु का। यही माइटोकांडिया से जो होता है, जो माइटोकांडिया होता है इसी से एटीपी में ऊर्जा मुक्त होते हैं जिसके द्वारा शुक्राणु को पोषण प्रदान होता है और यह तेजी से गति करने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो यह हो गया मिडल लेयर। फिर इसके बाद इसका टेल आता है गाइस, जिसके टेल का कोई कार्य नहीं है। टेल सिर्फ इसे क्या करता है, मोशन करने में, गति करने में मदद करता है, मोशन करने में और साइड घूमने में और साइड को चेंज करने में, मतलब दिशा को चेंज करने में मदद करता है। बस गाय जो इसमें टेल होता है या साइड मतलब मोशन करने में और घूमने में मदद करता है। गाइस आप लोगों ने हेड, मिडल लेयर और टेल के बारे में जान लिया। हेड में फैटी कंपाउंड वसा का बना होता है, एंटी फर्टिलाइजेशन को पूरी तरह से ढका रहता है। एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर या फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर से मिल करके इसके बाहरी आवरण को मिटाने में मदद करता है तथा यह निषेचन में चाबी की तरह कार्य करता है। फिर इसके बाद आता है एक्रोसोम, एक्रोसोम में दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है जोनालाइसिन, एक होता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज वह जोनालाइसिन होता है या ओवम के बाहरी आवरण को नष्ट करते हैं जिससे शुक्राणु का डीएनए ओवम के डीएनए से मिल करके शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल करके जायगोट का निर्माण करें। इसके बाद आता है मिडिल लेयर,
मिडिल लेयर में कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ इसमें माइटोकांडिया पाया जाता है। माइटोकांडिया जो है एटीपी फॉर्म में ऊर्जा को मुक्त करता है, या ऊर्जा शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है तथा उससे आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है। फिर इसके बाद आता है टेल। टेल का क्या कार्य होता है? जो टेल होता है यह मोशन करने में, गति करने में तथा घूमने में मदद करता है। तो गाइज आई होप आपने पूरा स्पर्म के बारे में जान लिया होगा। अब आइए थोड़ा सा ओवम के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज जो ओवम है यह फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है तथा ओवम के चारों तरफ एक इससे सेफ्टी के लिए दो प्रकार की कोशिका उपस्थित होती हैं। एक होता है सेला कोरोना रेडिएटा और एक इसमें फ्लूइड पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड, या जो पूरा रेड कलर का एसिड है या कैसा है, हाइल्यूरोनिक एसिड। और जो सेला कोरोना रेडिएटा ये है, ये सभी सेला कोरोना रेडिएटा हैं। फिर इसके बाद आता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा वह भाग, इसके भाग के बारे में आइए लिख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड वह एसिड होता है जो सेलाब कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ फैला होता है। फिर सेलाब कोरोना रेडिएटा वे सेल होती है जो हाइल्यूरोनिक एसिड में पूरी तरह से फैली रहती हैं। फिर इसके बाद आता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होता है, यह जोना पेलुसिडा के अंदर ही फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर पाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर, एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर आपस में मिलते हैं तो यह जो जोना पेलुसिडा होता है इसे जोना लाइसिन आकर नष्ट कर देता है। जब यह आवरण नष्ट हो जाता है तो स्पर्म जो है आराम से ओवम के अंदर चला आता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें पेरिविटा लाइन स्पेस। पेरिविटा लाइन स्पेस क्या होता है, जोना पेलुसिडा व ओवम के बीच वाले खाली स्थान को क्या बोलते हैं, पेरिविटा लाइन स्पेस बोलते हैं। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर जो होता है या एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर से मिल करके जो है जोना पेलुसिडा के आवरण को नष्ट करता है तथा नष्ट करने के पश्चात पेरिविटा लाइन स्पेस से जो शुक्राणु होता है आ करके यहाँ पर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो गाइज अब आइए मान लीजिए इतना हम लोगों ने ओवम के बारे में पढ़ा, स्पर्म के बारे में पढ़ा। तो गाइज अब निषेचन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यह स्पर्म है, अब ऐसा तो है नहीं एक बार में केवल एक ही ओवम में निकलेगा। एक बार मैथुन की क्रिया में लाखों करोड़ों ओवम निकलते हैं, अब लाखों करोड़ों स्पर्म निकलने के पश्चात मान लीजिए जैसे एक स्पर्म का इस प्रकार से फिगर होता है। अब यह स्पर्म धीरे धीरे ऐसे ओवम की तरफ बढ़ रहा है। अब मान लीजिए ओवम की तरफ बढ़ा तो जो यह स्पर्म का फैटी कंपाउंड तो जब यहाँ पर इस प्रकार के आवरण में आएगा तो यह खोल जाएगा, जो यह वसा का बना होता है। अब जो यह इसका बाहरी आवरण मान लीजिए जैसे ये है, आइए एक चित्र यहाँ पर भी बना देते हैं ना। अब इसको यहाँ पर ये जो वसा की तरह पूरी तरह से इसे ऐसे घेरे हैं, जैसे ही यहाँ पर गया यह पूरा ऐसे इसे खाली कर देता, मतलब यह उसमें इस प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है कि यह अपने आप ही खुल करके नष्ट हो जाता है। और जो एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होते हैं यह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। अब यह एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर पूर्ण रूप से मुक्त हुए और यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ तक मान लीजिए स्पर्म पहुँचा। अब स्पर्म पहुँचने के पश्चात जो इसमें एक्रोसोम होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्म पहुँचा, मान लीजिए गाइज अब यह स्पर्म यहाँ पर पहुँचा, अब यहाँ पर पहुँचा सेला कोरोना रेडिएटा से मिल करके जो इसका यह फैटी कंपाउंड है यह पूर्ण रूप से घुल गया और एंटी फर्टिलाइजेशन एकदम मुक्त हो गया। अब इसके पश्चात अब यहाँ पर पहुँचा तो अब इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड चारों तरफ है, तो हाइल्यूरोनिक एसिड को नष्ट कौन करेगा, तो इसमें जो हाइल्यूरोनिडेज एसिड है, यह हाइलोरोनिक एसिड के साथ मिल करके यह जो है यह क्या है, हाइलोरोनिक एसिड को क्या करता है, नष्ट करता है। तो गाइस अब मान लीजिए स्पर्म का जो है इतना भाग स्पर्म वाला आया तो यहाँ पर ऐसे एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर इसमें लगे हुए हैं तो जो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर
जो यहाँ पर एक्रोसोम है, एक्रोसोम में जो हाइलुरोनिडेज है या इसके चारों तरफ के हाइलुरोनिक एसिड को नष्ट कर दिया, हाइलुरोनिक एसिड को नष्ट कर दिया। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर थोड़ा सा साफ करते हैं, अब यह सब नष्ट हो गया, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा भी नष्ट हो गया और हाइलुरोनिक एसिड भी नष्ट हो गया। अब मान लीजिए यह सब पूरा नष्ट हो गया, अब जो है स्पर्म यहाँ तक चला आया, मान लीजिए यहाँ पर, अब मान लीजिए जैसे स्पर्म यहाँ पर चला आया, अब मान लीजिए जैसे जो स्पर्म है यहाँ पर चलाया और यहाँ पर ऐसे एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर लगे हुए हैं, एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब जो स्पर्म है यहाँ तक चला आया, अब जो एक्रोसोम में एक पहला होता है, पहला वाला एसिड क्या हुआ, हाइलुरोनिडेज या हाइलुरोनिक एसिड को नष्ट किया। फिर इसके बाद जो इसका जोनालाइसिन है या जो है पहले तो अमाली यहाँ तक आया, अभी जोनालाइसिन कुछ नहीं करेगा, जोनालाइसिन वैसे पड़ा रहेगा और हाइलुरोनिडेज आया, हाइलुरोनिक एसिड को नष्ट किया। अब यह जो है मान लीजिए यहाँ पर एंटी रिसेप्टर ऐसे आया और रिसेप्टर से लग गया, अब रिसेप्टर से लग गया जैसे ताला है, ताला में अगर चाबी को लगाएंगे तो ताला का ऊपरी भाग खुल जाएगा, ठीक उसी प्रकार से यह इसका आवरण ऐसे खुल जाता है। खुलने के पश्चात अब जो जोनालाइसिन है, अब जो जोनालाइसिन है यह क्या करता है, जोनापेलुसीडा की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जोनापेलुसीडा की कोशिकाओं को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अब गाइस जो दूसरा इसमें एक्रोसोम में क्या है, जोनालाइसिन है, अब आ गया जोनापेलुसीडा की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। अब जोनापेलुसीडा की कोशिकाएं नष्ट हो गई, जोनापेलुसीडा की कोशिकाओं को कौन नष्ट किया, जोनालाइसिन किया। अब जोनालाइसिन गया, अब जोनापेलुसीडा की कोशिका को नष्ट कर दिया। अब यह जोनापेलुसीडा की कोशिका नष्ट हो गई तो अब यह स्पर्म जो है आया और पेरिविटल लाइन स्पेस से आगे चला गया, क्योंकि यह पूरा खाली है। अब खाली होने के पश्चात जो इसका इतना भाग होता है, इतना भाग यह पूरी तरह नष्ट हो जाता है, क्योंकि एंटी रिसेप्टर जो है फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर से मिलकर नष्ट हो गया और जो इसका एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर से मिलकर के उसे नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद अब मान लीजिए या फर्टी कंपाउंड एंटी फर्टिलाइजेशन इतना पूरा नष्ट हो गया, अब बचा जो इतना भाग है, अब यह जो इतना भाग बचा हुआ है यह अब यह आगे आएगा और ओवम के अंदर चला जाएगा। जैसे ही ओवम के अंदर चला जाएगा तो उसके जो बाहरी कोशिका या जो पेरिविटल लाइन स्पेस है यह एक ऐसे कठोर आवरण का निर्माण कर देगा। क्यों कठोर आवरण का निर्माण कर देगा, ताकि और कोई भी अंडाणु इसके अंदर न जाने पाए। अब मान लीजिए अंडाणु इसके अंदर ऐसे चला आया, अब अंडाणु की संरचना ऐसे है और इसका जो पूंछ है यह भी यहीं पर नष्ट हो जाता है। अब यह इसके अंदर चला आया, इसमें अब ढेर सारे मात्रा में प्रोटीन यहाँ पर गुणसूत्र हैं और माइटोकांडिया भी नष्ट हो जाता है। अब यह गुणसूत्र में जो इसका स्पर्म है अंदर चला गया और ओवम से मिला और फर्टिलाइजेशन की क्रिया किया। अब जो यहाँ पर है, अब मान लीजिए यह स्पर्म अंदर चला गया, अब धीरे धीरे यह सब पूरा नष्ट हो जाएगा। तो अब जो है स्पर्म जो है अंदर गया ओवम के अंदर गया और फर्टिलाइजेशन किया, मतलब फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाया। अब यह जाइगोट जो है आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण किया, एम्ब्रियो 9 से 9.5 माह में पूर्ण रूप से विकृत होकर के एक बेबी का आकार ले लेगा। अब यह बेबी प्रसव के दौरान क्या आ जाएगा, आउट बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मादा में नर शुक्राणु मादा अंडाणु से इस प्रकार से निषेचन की क्रिया करता है। गाइस एक बार फिर से, अब यह जैसे मान लीजिए इतना पूरा भाग है, इसको फैटी कंपाउंड होता है और एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर होता है, ये दोनों आए, फैटी कंपाउंड यहाँ पर आते ही घुल गया और एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर इससे मिला और जो एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एसिड था या हाइलुरोनिक एसिड को नष्ट कर दिया। अब इसके बाद फैटी कंपाउंड भी नष्ट हो गया, एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर आया, फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर से मिला, इसे खोला, इसके बाद जो एक्रोसोम में जोनालाइसिन था या जोनापेलुसीडा की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। फिर और आगे गए तो एंटी फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर व फर्टिलाइजेशन रिसेप्टर भी नष्ट हो गए। फिर इसके बाद जो स्पर्म का इतना भाग था,
स्पर्म का जो इतना भाग था यह ओवम के अंदर चला गया, ओवम के अंदर गया तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया किया। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के पश्चात जायगोट का निर्माण हुआ। जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो 9 से 9.5 माह में विकसित होकर के एक बेबी का निर्माण कर दिया। तो गाइस इस प्रकार से जो होता है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रकार से इनका पूरा संरचना होता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।